नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम। गोरखा वो ताकत थी जो दुनिया के तमाम देश अपने देश की सेना में चाहते थे और चाहते हैं भी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के टाइम गोरखाओं ने कई युद्धों की बाजियां तो पलट के ही रखती, जो कि बिल्कुल असंभव जैसी लगती थी। और समय की शुरुआत में गोरखाओं का खौफ इतना ज्यादा था कि अगर कोई सुन लेता था कि उसके विरोध में गोरखा आने वाले, वो वहां से भागना ज्यादा प्रिफर करते थे। तो आखिरकार गोरखा सैनिक का इतना खौफ कैसे दुनिया में बना, और आखिर ऐसा क्या किया था गोरखा सैनिकों ने कि दुनिया की तमाम आर्मीज चाहती थी कि गोरखा सैनिक उनकी आर्मी में हो। सच्चा दुनिया का सबसे मशहूर तानाशाह हिटलर, वो भी ये कहता था कि अगर उसको गोरखा सैनिकों की फौज मिल जाए तो वो पूरी दुनिया को फतह कर ले। तो आखिर इसका रीजन क्या था कि हिटलर ने ये कहा था, और ये कब कहा था हिटलर ने? साथ हिटलर भी गोरखाओं को लेकर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड क्यों था? दुनिया की तमाम कंट्रीज क्यों चाहती थी कि गोरखा उनकी तरफ से रहे? और यही सब है आज के हमारे चर्चा का विषय। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं कि 80% लोग आप में से वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। डेटा देखो यार, नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, और साथ में जो बाजू में बेल का आइकन है उसको भी दबा लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहे, जो कि आपकी नॉलेज को जरूर बढ़ाएंगे। मुझसे और ज्यादा जुड़ने के लिए मेरा व्लॉग, गेमिंग, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट चैनल आई एम शिवम, आप लोग सब लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे हम लोग और ज्यादा बातें कर सकते हैं और ज्यादा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ, जहां पर गोरखा सैनिक ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे, जो कि थे ब्रिटिश गोरखा सैनिक। और आपको बता दूं कि गोरखाओं ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1915 से ही ज्वाइन किया था, यानी करीबन 100 साल पहले ही ब्रिटिश आर्मी के साथ गोरखा सैनिक लड़ते थे। लेकिन उन 100 साल में इतनी प्रसिद्धि गोरखा सैनिक को नहीं मिली थी जितनी वर्ल्ड वॉर वन के बाद से उनको मिलनी शुरू हुई। और उसके पीछे का कारण ये भी था कि ब्रिटेन पहले जो कॉलोनियल आर्मी होती थी उनको मेडल्स नहीं देता था और उनकी आर्मी को इतना अप्रिशिएट नहीं करता था। लेकिन 1911 के बाद ये रूल्स चेंज हुए और विक्टोरिया क्रॉस जैसे सबसे बड़े गैलेंट्री अवार्ड भी ब्रिटिश कॉलोनियल आर्मी को देने लगे। और सन 1911 के बाद 1914 से ही वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, और वर्ल्ड वॉर वन में ही गोरखा रेजिमेंट से 3 सैनिकों ने ये विक्टोरिया क्रॉस जीता अपनी बहादुरी के चलते और युद्ध में उनके योगदान के चलते, जिसमें सबसे पहला विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड मिला था 2nd बटालियन ऑफ 3rd गोरखा राइफल 26 वर्षीय राइफलमैन साथ ही साथ हवलदार कुलवीर थापा जी को, जिसको आप गोरखा म्यूजियम विंचेस्टर इंग्लैंड में आप देख सकते हो। और इनको ये पहला विक्टोरिया क्रॉस मिला था इनकी बहुत बड़ी बहादुरी के चलते युद्ध क्षेत्र में ही। विक्टोरिया क्रॉस सबसे बड़ा ऑनर है ब्रिटिश सेना का जो कि किसी को भी दिया जा सकता है, इससे ऊंचा कोई और ऑनर नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत प्राउड मोमेंट था गोरखा राइफल्स के लिए। और इनको ये अवार्ड इसलिए मिला था क्योंकि 15 सितंबर 1915 में फ्रांस में जर्मन सेना के खिलाफ वो लड़ने गए थे, जहां पर वो खुद भी जख्मी हो गए थे। और उन्होंने देखा कि एक ब्रिटिश सिपाही इवान जॉन्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए थे और वो बहुत ज़्यादा नज़दीक थे जर्मन सेना की ट्रेंच या पोस्ट के पास, वो इतनी पास थे कि अगर वो स्प्लिट भी करते तो वहां तक पहुंच जाता, यानी कि कुछ मीटर की ही डिस्टेंस होगी जहां पर इवान जो कि सिपाही थे घायल पड़े हुए थे। और जैसे ही कुलबीर थापा ने उनको देखा, उन्होंने आओ देखा न ताओ और उनको बचाने के लिए वो निकल गए वहां पर। उन्होंने काफ़ी समय उनके साथ वहीं पर बिताया, करीबन रात बीत गई और उनको बचाने के लिए उन्होंने रात भी वहीं पर गुजारी छुप के। और उसके बाद जैसे ही सुबह के टाइम पर थोड़ा कोहरा हुआ और वो उनको लेकर वायर्स के नीचे से उनको लेकर अपनी तरफ आए, और वो यहीं पर नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने दो और गोरखा सैनिक जो कि वहीं पर पड़े हुए थे घायल अवस्था में, उनको भी लेकर आए बाद में। और अभी भी उनका ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ था, फिर से निकल गए एक और सैनिक को अपने कंधे पर लादे हुए वापस आए, और उनके इसी साहस को देखते हुए दुश्मन सेना ने भी उनके लिए तालियां बजाई। और कहीं ना कहीं यही सारी चीजें हिटलर तक भी पहुंच रही थी, क्योंकि गोरखा सैनिकों की ये सिर्फ शुरुआत थी। और यही कारण था कि पहला विक्टोरिया क्रॉस जो कि गोरखा रेजिमेंट को मिला था वो कुलबीर थापा को मिला था, और उसके साथ दो और नाम थे जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर जिनको विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया था। और आपको बता दें कि गोरखा कुलबीर थापा का प्रिंसेस गार्डन में एक स्टैचू भी बना है, जहां पर उनको देखा जा सकता है कंधे पर एक घायल सोल्जर को लिए हुए, और ये उन्हीं की याद में और उनकी बहादुरी में वहां पर बनाया गया था। और उससे कुछ सालों बाद शुरुआत हुई वर्ल्ड वॉर टू की, जो कि शुरू की थी हिटलर ने, जो कि चली थी 1939 से 1945 के बीच में, जिसकी शुरुआत हुई थी पोलैंड पर अटैक करवाकर। हिटलर नाजी पार्टी का लीडर हो चुका था, साथ ही साथ जर्मन सेना का कमांडर भी था,
और वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हिटलर ने ही की पोलैंड पे अटैक करवा के। और हिटलर का एक फेमस जनरल भी था जो कि था आर्विन रोमाल, जिसको फील्ड मार्शल भी बना दिया गया था। हिटलर उससे काफी ज्यादा प्रभावित था और वो काफी बुद्धिमान भी था, और इसीलिए उसको डेजर्ट फॉक्स नाम से भी बुलाया करते थे। और डेजर्ट फॉक्स बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था गोरखा सैनिकों से युद्ध के दौरान जो कि हो रहा था नॉर्थ अफ्रीका में साथ साथ इटली में, क्योंकि जब भी डेजर्ट फॉक्स की जर्मन सेना कोई भी जगह की बैटल को जीतने वाली होती थी तो वहां पर ब्रिटिश सेना भेज देती थी गोरखाओं को, और वो गोरखा कुछ ही समय में युद्ध की बाजी पलट देते थे और उनको हार का सामना करना पड़ता था। और यही चीज देखते देखते डेजर्ट फॉक्स को पता चल गया था कि गोरखा सैनिक काफी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि जब भी गोरखा सैनिक सामने होते थे तो इन जर्मन सैनिकों को मुंह की खानी पड़ जाती थी और वो जीती हुई जगह भी हार जाते थे। और ऐसी एक घटना का जिक्र किया था रोडोल्फ ने, जो कि डेजर्ट फॉक्स का ही ड्राइवर था, साथ ही साथ एक सिपाही भी था। उसने मेमोर्स ऑफ वॉर में बताया कि फील्ड मार्शल डेजर्ट फॉक्स को फ्रंट लाइन में जाने का बहुत ज़्यादा शौक था, यानी कि युद्ध क्षेत्र में जाने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो एक बार वो डेजर्ट में जाते हैं उनके साथ युद्ध क्षेत्र के फ्रंट लाइन में भ्रमण करने, और वहां पर उनको 15 या 16 जर्मन सैनिक मिलते हैं जो कि लाइन से लेटे हुए थे। वो लग रहा था कि वो सो रहे हैं, लेकिन जब वो उतरे और वहां पर देखा तो उन सभी का गला कटा हुआ था, और पास में ही पड़ी हुई थी एक खुखरी जिसको रेडोल्फ ने अपने पास रख लिया, और उसने बताया कि आज भी उसके पास थी। यानी कि वो खुखरी साफ जाहिर करती थी कि वहां पर गोरखा सैनिक आए और उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आखिर कैसे गोरखा सैनिक के होने की वजह से युद्ध का पल्ला उनकी तरफ भारी हो जाता था जिधर से गोरखा सैनिक लड़ते थे, और आखिर क्यों खौफ खाने लगे थे वर्ल्ड वॉर टू के दौरान पर गोरखा सैनिकों से सारे विरोधी सैनिक? दोस्तों इसके पीछे कई बड़े कारण थे, क्योंकि ब्रिटिश सेना और जर्मन सेना ज्यादातर यूज टू थी कि वो दिन में ही युद्ध कर सकते थे और रात के समय वो हमेशा आराम करते थे या फिर अपने बंकरों में छुप कर बैठते थे। लेकिन गोरखा सैनिकों के साथ ऐसा नहीं था। गोरखा सैनिक रात में निकलते थे युद्ध के लिए, जिसमें वो जर्मन सेना की पोस्टों में रात में अंदर जाते थे और सबको मौत की नींद सुला देते थे, और वो ज्यादातर दुश्मन देश की जो भी पोस्ट में जाते थे उसमें सभी को मार डालते थे, और एक सैनिक को जानबूझकर छोड़ देते थे जिससे वो पूरी घटना दूसरों को बताए जाके। और ये एक बहुत बड़ी रणनीति थी गोरखा सैनिकों की, क्योंकि वो डरा हुआ सैनिक दूसरे सैनिकों को जाकर वो खौफनाक मंजर बताता था, और वो मंजर बताने की वजह से जो दूसरे सैनिक होते थे वो और ज्यादा डिमोटिवेट होते थे और ज्यादा डरते थे, और इसी से विरोधी सेना काफी ज्यादा डरने लगी थी और खौफ खाने लगी थी। और इस बात को गोरखा बटालियन के मेजर कैरिगन ब्रिटिशर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। और दूसरा कारण ये कि गोरखा सैनिकों के जिस तरफ से लड़ते थे उसका पल्ला इसलिए भारी हो जाता था क्योंकि उनकी जितनी भी बटालियन होती थी उनको अगर पता चलता था कि उनके साथ गोरखा सैनिक लड़ने आ रहे हैं तो उनका आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ जाता था, जिसकी वजह से उनके युद्ध में काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी हो जाती थी और वो काफी ज्यादा एक्टिव भी रहते थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गोरखा बटालियन से 12 लोगों को मिला था विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड, साथ साथ 2000 से भी ज्यादा और ब्रिटिश गैलेंट्रीज अवार्ड। और ये ज्यादातर अवार्ड्स इसलिए भी मिले थे क्योंकि आमतौर पर हथियारों के या तो बुलेट्स खत्म हो जाती थी या फिर हथियार नहीं होते थे, और उसके बाद वो अपनी विरोधी सेना जिनके पास गन्स भी होती थी उनके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ खुखरी से उतर पड़ते थे और उनको हरा देते थे। और वर्ल्ड वॉर टू के ही टाइम पर हिटलर ने ये कहा था कि अगर उनको गोरखा सैनिक मिल जाए तो वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। और हिटलर ने भी बहुत सारे किस्से सुन लिए थे गोरखा सैनिकों की बहादुरी के, जिसके बाद ही हिटलर अपनी आर्मी से गुस्सा होते हुए इस बात को कहा था। एक चीज उन गोरखाओं के साथ नहीं सही हुई, उनको मुआवजा नहीं मिला ठीक से, जिनकी भी डेथ इन वॉर्स में हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ते हुए। साथ साथ जो भी गोरखा सैनिक घायल हुए थे उनको भी कोई अच्छी फैसिलिटीज नहीं दी गई, लेकिन आज भी उतना ही सम्मान गोरखा सैनिकों को दिया जाता है और ब्रिटेन आज भी गोरखा सैनिकों को रिक्रूट करता है। साथ साथ इंडिया में भी गोरखा सैनिकों की रेजिमेंट को रखा जाता है क्योंकि वो लोग जानते हैं कि गोरखा सैनिक जैसा वीर बहादुर योद्धा कोई भी नहीं है, क्योंकि गोरखाओं के डिक्शनरी में डर का नाम ही नहीं है। और इनकी टैगलाइन है जय महाकाली आयो गोरखाली, जो कि अपने आप में एक ताकत देता है। तो इसी लाइन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके गोरखा को ट्रिब्यूट जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक इसको शेयर जरूर कीजिएगा कि सबको गोरखाओं के बारे में ये नॉलेज मिलती रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर दबाइएगा और शेयर जरूर करिएगा इन बहादुर गोरखा के नाम। धन्यवाद। एनआई न्यूज़।